दिल्ली में एक और हादसे में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। ये तीनों बच्चे बन रही इमारत की दीवार कूदकर घुसे थे। पुलिस के मुताबिक द्वारका के सेक्टर 23 का ये मामला है, जहां 4 दोस्त बन रहे गोल्फ कोर्स में घुसे, जिनमें 3 की डूबकर मौत हो गई। ये तीनों जो डिसीज हैं, गोयला डेरी और कुतुब विहार एरिया के रहने वाले हैं और करीब 20 साल का उम्र है। उनकी पहचान करके उनके परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी। बारिश ने राजधानी दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिन में दिल्ली में 11 mm बारिश हुई है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ITO से लेकर तिलक ब्रिज के इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजघाट, लाल किला के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। दक्षिणी दिल्ली के देवली रोड इलाके में चंद मिनट की बारिश में ही भारी जलभराव हो गया। सड़क पर पानी भरने से हालात बदतर हो गए। दिल्ली में धीरे धीरे यमुना नदी का जलस्तर घटने लगा है और NDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव का काम कर रही हैं। ITO इलाके में रेगुलेटर टूटने से यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सेना के जवानों ने महज कुछ घंटों में यहां एक अस्थायी बांध बना दिया। 13 घंटे के ऑपरेशन में आप देख सकते हैं, इस तरह की जो रेत की बोरियां हैं, करीबन 20,000 से 30,000 रेत की बोरियों से एक अस्थायी बांध जो है वो बना दिया है। अब इस बांध को और मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। अब ये बांध को परमानेंट कर दिया जाएगा और स्ट्रेंथनिंग होने के बाद आगे पानी जाने का। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में पानी घुस गया था। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ में फंसे जानवरों को NDRF की टीम ने मदद पहुंचाई। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में रेस्क्यू का काम जारी है, जिसके लिए NDRF की 18 टीमें लगी हुई हैं। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जबकि करीब 4,500 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। करीब 550 जानवरों को NDRF की टीम ने बचाया। वहीं केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का पानी कम होने लगा है। वहीं पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मदद पहुंचाई। नोएडा के सेक्टर 135 के इलाके में पानी का बहाव काफी तेज है। इस इलाके में कई जगहों पर बड़ी संख्या में जानवर फंसे हैं, जिन्हें NDRF की टीम ने लोगों की मदद से चारा पहुंचाया। कई एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया है। अभी स्थिति बेहतर है क्योंकि पानी अभी कम हुआ है उसका स्तर। साथ ही कई जगह से जानवरों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। JCB मशीन भी लगातार रास्ते को क्लियर करने में लगे हुए हैं ताकि लोगों को निकाला जा सके। फिलहाल पानी का स्तर कम हो रहा है और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। और वही हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रभावित इलाकों का राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया और वहां के आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। वहां पर लगातार हुई बारिश की वजह से आई बाढ़ ने हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी फैला दी है। उफनती नदियों में बड़ी संख्या में इमारतें धराशायी हो गई, जिससे राज्य के कई जिलों में लोग बेघर हो गए। सोलन के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिनके मकान पूरी तरह नष्ट हो गए उनको 1,45,000 रुपया दे दिया। बाढ़ और बारिश से होने वाली तबाही राज्य के लिए बड़ी आपदा बन गई, जिससे वहां के ज्यादातर जिलों में हालात बेहद खराब हो गए।